ग्रेड सिक्स यूनिट टेस्ट पैटर्न. फर्स्ट वन यू हैव टू राइट हिंदी नंबर्स 1 to 50. ओनली नंबर्स यू हैव टू राइट. ओके 1 to 50 इन हिंदी. दैट विल बी योर 10 मार्क्स. वॉवल्स एंड सिंबल्स ऑलरेडी मैनी टाइम आई हैव टीच यू. वॉवल्स लाइक आ टू आहा एंड वॉट इज द सिंबल मीन्स वॉट इज द मात्रा डाउन यू टू राइट. दैट विल बी योर 5 मार्क्स. आइडेंटिफाई द टेंस. टेंस ऑलरेडी आई हैव टीच यू लाइक वर्तमान काल भूतकाल भविष्यत काल. सो सम सेंटेंस विल बी देयर यू हैव टू आइडेंटिफाई वॉट इज द टेंस. ओके भूतकाल भविष्यकाल और वर्तमान काल. प्रीफिक्स. प्रीफिक्स मीन्स उपसर्ग. सो योर टेंस विल बी 5 मार्क्स एंड प्रीफिक्स विल बी 5 मार्क्स. उपसर्ग जो कि बिफोर द वर्ड वी आर पुटिंग ना आ आप उप सो दैट यू हैव टू सम वर्ड विल बी देयर दैट यू हैव टू पुट दैट इज उपसर्ग. ओके सो टोटल योर 25 मार्क्स यूनिट टेस्ट विल बी देयर. जस्ट डू द रिविजन एंड राइट इट प्रॉपर. ओके बेस्ट ऑफ लक चिल्ड्रन. गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन. हाउ आर यू ऑल. आई होप यू ऑल आर सेफ एंड गुड इन हाउस डूइंग वेल. ओके नाउ यू नो वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर यूनिट टेस्ट. राइट चिल्ड्रन. सो व्हाट वी विल डू वॉट एवर इन लास्ट मंथ वी हैव रीड वी आर गोइंग टू डू रिविजन फॉर दैट. ओके चिल्ड्रन. सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम हिंदी में गिनती. हिंदी में गिनती मीन्स हिंदी नंबर्स. ओके सो यू ऑल आर रेडी बिकॉज सी इन योर टेस्ट व्हाट विल कम. टू पार्ट विल कम फॉर हिंदी नंबर्स. वन यू हैव टू राइट ओनली हिंदी नंबर्स एंड सेकेंड सम पार्ट आई विल गिव हिंदी नेम्स यू हैव टू राइट. ओके चिल्ड्रन क्लियर. वन पार्ट विल कम ओनली यू हैव टू राइट हिंदी नंबर्स. जस्ट आई विल राइट हिंदी नंबर लाइक 1 to 50. सो ओनली हिंदी नंबर्स यू हैव टू राइट. सेकेंड क्वेश्चन विल बी लाइक राइट हिंदी नंबर्स नेम 20 to 30 और 30 to 40 और 1 to 10. सो देयर यू हैव टू राइट हिंदी नंबर्स नेम मीन्स इन हिंदी लाइक यू हैव टू राइट ए एंड के एक दपे ओ की मात्रा दो. सो डोंट गेट कंफ्यूज. हिंदी नंबर्स मीन्स ओनली डिजिट यू हैव टू राइट एंड हिंदी नंबर्स नेम मीन्स यू हैव टू राइट नंबर्स नेम. ओके सो इज इट क्लियर. बोथ थिंग वी हैव टू डू प्रैक्टिस. सो शैल वी स्टार्ट चिल्ड्रन. ओके ओके चिल्ड्रन व्हाट इज दिस नंबर. एक 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 दो दपे ओ की मात्रा दो. तीन तपे बड़ी की मात्रा ती एंड ना तीन. चार चपे आ की मात्रा चा एंड र. चार पांच पपे आ की मात्रा पा एंड चंद्र बिंदु टॉप पांच. पांच छ सी छ हिंदी छ एंड हिंदी नंबर छ बोथ लुकिंग सेम ओनली हियर टू डॉट इज देयर हियर देयर इज नो डॉट. सो छ छ मीन्स सिक्स. सात सपे आ की मात्रा सात एंड त सात. आठ अपे आ की मात्रा आ एंड ठ आठ. नौ नौ नपे औ की मात्रा नौ. दस द स दस. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस. दिस मच ऑल यू नो. नाउ 11 सेम लाइक अ इंग्लिश नंबर हाउ वी आर राइटिंग दिस इज ऑल्सो 11 12 इज सेम. ओनली यू हैव टू लर्न प्रोनाउंसिएशन. 11 हाफ ग पे आज की मात्रा या र ह. 11 11 मीन्स 11. 12 ब पे आ की मात्रा बा र ह. 12 12 मीन्स 12. 13 त पे ए की मात्रा ते र ह 13. 14 छ पे औ की मात्रा चौ द ह 14 14 मीन्स 14. 15 पॉप पे अंक की मात्रा पन द एंड द हियर राइज द द्र ह 15 15 मीन्स 15. 16 स पे ओ की मात्रा सो ल ह 16.
सत्रह 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 मीन्स 17 अठारह अ हाफ ट ठ आखी मात्रा ठा र ह अठारह अठारह मीन्स 18 उन्नीस व्हाट इज दिस उन्नीस उ हाफ न फुल न पे बड़ी की मात्रा नी एंड स उन्नीस उन्नीस मीन्स 19 बीस ब पे बड़ी की मात्रा बी एंड स बीस बीस मीन्स 20 सो 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 करता हूँ और ऐसे टच कर कैसे करता हूँ तो वो कभी कभी ऐसे टच करने से वो हिलता है ना तो 31 31 ई हाफ का त तबे बड़ी की मात्रा ती एंड स 31 31 32 ब हाफ त फुल त बड़ी की मात्रा ती एंड स 32 32 33 त तबे ए की मात्रा तै डॉट इज देयर सो तै त तबे बड़ी की मात्रा ती एंड स 33 33 34 च चपे औ की मात्रा च डॉट च त तबे बड़ी की मात्रा ती एंड स 34 34 35 प पपे ए की मात्रा पै एंड डॉट इज हियर सो पै त तबे बड़ी की मात्रा ती एंड स 35 35 मींस 35 36 छ हाफ त फुल त बड़ी की मात्रा ती एंड स 36 36 37 स स पे ए की मात्रा स डॉट स त पे बड़ी की मात्रा ती एंड स 37 37 मींस 37 38 अ अड़ा त पे बड़ी की मात्रा ती एंड स 38 38 मींस 38 39 39 उ हाफ न त तबे आ की मात्रा ता ल ल पे छोटी की मात्रा ली एंड स 39 39 मींस 39 40 च च पे आ की मात्रा चा ल ल पे बड़ी की मात्रा ली एंड स 40 40 मींस 40 सो 31 31 32 32 33 33 34 34 35 35 36 36 37 37 38 38 39 39 40 40 41 ई हाफ क त तपे आ की मात्रा ता ल ल पे ई की मात्रा ली एंड स 41 41 42 ब य य पे आ की मात्रा या ल ल पे छोटी की मात्रा ली एंड स 42 42 43 त तपे आ की मात्रा तै डॉट इज हियर सो तै ता त तपे आ की मात्रा ता ल ल पे छोटी की मात्रा ली एंड स 43 43 44 च च पे औ की मात्रा च अ पे आ ल ल पे ई की मात्रा ली एंड स 44 44 45 प प पे ए की मात्रा प डॉट इज हियर सो प त त पे आ की मात्रा ता ल ल पे ई की मात्रा ली एंड स 45 45 छियालीस छ छ पे ई की मात्रा छी य य पे आ की मात्रा या ल ल पे ई की मात्रा ली एंड स 46 46 सैतालीस स स पे ए की मात्रा स त त पे आ की मात्रा ता ल ल पे ई की मात्रा ली एंड स 47 47 मींस 47 48 अ अड़ा त तपे आ की मात्रा ता ल ल पे ई की मात्रा ली एंड स
48 49 छोटा ऊ हाफ न छपे आ की मतलब चार और स 49 49 मीन्स 49 50 प छपे आ की मतलब चार एंड स 50 50 मीन्स 50 41 41 42 42 45 43 44 44 45 45 46 46 47 47 48 48 49 49 50 50 Okay children, next what we will read? Kal. What is kal? Kal means tense. Time. Kal means time. Kal, tense. Time means, in Hindi we will say, samay. What is the definition of kal? This is your ka ka pe aake matra ka and la. Kal, tense. What is the definition of kal, tense? जिस वाक्य से हमें समय का पता चले उसे काल कहते हैं. आई एम सेइंग वन सेंटेंस विद दैट सेंटेंस एनीवन यू आर सेइंग आई एम सेइंग समवन एल्स इज सेइंग वन सेंटेंस एंड विद दैट सेंटेंस वी विल नो व्हाट ही इज टॉकिंग. ही इज टॉकिंग अबाउट टुडे टुमारो और यस्टरडे दैट इज कॉल्ड टाइम. ओके तो जिस वाक्य से हमें समय का पता चले विद सेंटेंस शो अस टाइम उसे काल कहते हैं दैट इज कॉल्ड टेंस. टाइप ऑफ काल टाइप ऑफ टेंस देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंस. ओके काल के तीन प्रकार होते हैं. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंस. व्हाट इज फर्स्ट वन वर्तमान काल. वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस. व्हाट इज द फर्स्ट वन वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस. फर्स्ट वन वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस. व्हेन एनी सेंटेंस वी आर सेइंग इन प्रेजेंट इन हिंदी एंड ऑफ द सेंटेंस विल बी है. एंड ऑफ द सेंटेंस विल फिनिश विद द है लेटर. एंड इन इंग्लिश हाउ यू आइडेंटिफाई इन द सेंटेंस इस लेटर विल बी देयर. ओके इस लेटर विल बी इन दैट सेंटेंस लाइक वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस. मैं गाना गा रही हूं. वह खाना खा रहा है. ही इज ईटिंग. ही इज सिंगिंग मीन्स एट प्रेजेंट ही इज डूइंग दैट वर्क. सो वह खाना खा रहा है. राम खाना खा रहा है. Ram, some boy is there. He is eating food. So in Hindi, sentence is ending with hai. And in English, is. Is letter is coming. Means, with the sentence, what we find? That is a present tense. At the time, he is doing that work. Bhutkal. What is Bhutkal? In English, that is called past tense. Bhutkal means that work has finished. If we are saying any sentence, that sentence show that work already it has finished. Okay, that work has done. In Hindi, that tense will end with tha letter. Tha, the, thi. So, okay, tha. In Hindi, that sentence will finish tha letter. And in English, was will come. Okay, like Sohan was sleeping. Sohan was sleeping. Was has come means that time when he saw he was sleeping. In Hindi what we will say? Sohan so raha tha. Sohan so raha tha. Other sentence like Vah ga raha tha, kha raha tha, ja raha tha. He was sleeping, he was going, he was reading. Means now he is not doing that work. In past. Yesterday, sometime, that time has finished, he was doing. So, easy to identify. If you want to identify Bhutkal, that sentence end will be Tha. Now, third one, Bhavishyat Kal. Bhavishyat Kal means
फ्यूचर टेंस, भविष्य काल मीन्स फ्यूचर टेंस, दैट एनी वर्क एनी थिंग इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर, इट हैज नॉट फिनिश नाउ, इट इज नॉट गोइंग ऑन ऑल्सो, इट इज नॉट फिनिश ऑल्सो, इन फ्यूचर इट इज गोइंग टू बी हैपन. सो हाउ वी विल आइडेंटिफाई दैट सेंटेंस इज फ्यूचर टेंस, इन द एंड ऑफ द सेंटेंस के गा गी गु लाइक दिस वर्ड विल कम एंड इन इंग्लिश इट विल बी विल. इन इंग्लिश वर्ड विल कम विल लाइक सोहन बाजार जाएगा, सोहन बाजार जाएगा. गा लेटर हैज कम इन द एंड मीन्स फ्यूचर टेंस. सोहन विल गो टू मार्केट, विल हैज कम मीन्स दैट इज फ्यूचर टेंस. ओके चिल्ड्रन, सो वी विल सी सम एग्जाम्पल ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ टेंस. फर्स्ट वी विल गो फॉर वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस मीन्स दैट वर्क इज हैपनिंग नाउ. ओके, दैट वर्क इज हैपनिंग नॉट फिनिश्ड. लाइक फर्स्ट, सीता गाना गा रही है. सेंटेंस इज एंडिंग विद व्हाट, व्हाट लेटर सेंटेंस इज एंडिंग है, है लेटर इज कमिंग. सीता गाना गा रही है, सीता सम गर्ल नेम इज, गाना मीन्स सॉन्ग, गाना गा गा मीन्स सिंगिंग, रही है इज सिंगिंग, सीता इज सिंगिंग अ सॉन्ग, सीता इज सिंगिंग अ सॉन्ग मीन्स दिस सेंटेंस इज एंडिंग विद है लेटर, रही है मीन्स दिस इज अ वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस. सेकेंड वन, रोहन रोहन पढ़ रहा है. व्हाट रोहन इज डूइंग, ही इज रीडिंग, रोहन इज रीडिंग. दिस सेंटेंस आल्सो एंडिंग विद है लेटर, रोहन इज रीडिंग, रोहन इज अ बॉय नेम, पढ़ पढ़ मीन्स स्टडिंग, रीडिंग, रहा है इज रीडिंग. ओके, रोहन पढ़ रहा है. दिस सेंटेंस इज एंडिंग विद है लेटर मीन्स दिस इज अ प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल. गीता खेल रही है, गीता इज अ गर्ल नेम, खेलना खेलना मीन्स प्लेइंग, रही है इज, गीता खेल रही है मीन्स गीता इज प्लेइंग. दिस सेंटेंस ऑल्सो एंडिंग विद है लेटर मीन्स दिस इज अ प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल. सो आई टोल्ड यू विथ सेंटेंस एंडिंग विद है लेटर मीन्स दिस इज अ वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस. नाउ यू सी भूतकाल, भूतकाल मीन्स पास्ट टेंस, भूतकाल मीन्स पास्ट टेंस. सी व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस, वर्तमान काल एंड भूतकाल. हियर वी हैव रीड सीता गाना गा रही है, सेंटेंस इज एंडिंग विद है लेटर मीन्स दिस इज अ वर्तमान काल, दिस इज भूतकाल. भूतकाल सीता गाना गा रही थी, सेंटेंस इज एंडिंग विद थी मीन्स दिस इज पास्ट टेंस, ऑलरेडी वर्क हैज फिनिश्ड. ओके, सीता वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, सीता गाना गा रही थी, सीता वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, सेंटेंस इज एंडिंग विद थी, था मीन्स दिस इज अ पास्ट टेंस, भूतकाल. सेकेंड वन, सो सी सीता गाना गा रही है मीन्स वर्तमान काल, गा रही थी मीन्स भूतकाल. वी विल गो फॉर सेकेंड सेंटेंस, रोहन पढ़ रहा था, रोहन पढ़ रहा था. हियर रोहन पढ़ रहा है मीन्स रोहन इज स्टडिंग, हियर रोहन पढ़ रहा था, पढ़ रहा था मीन्स नाउ ही इज नॉट स्टडिंग, ही इज डूइंग समथिंग एल्स बट ऑलरेडी ही हैज फिनिश्ड हिज स्टडी. रोहन पढ़ रहा था, सो सेंटेंस इज एंडिंग विद था लेटर, था मीन्स वॉच, सो दिस इज अ भूतकाल, हियर पढ़ रहा है वर्तमान काल. विल गो फॉर थर्ड सेंटेंस, गीता खेल रही थी, गीता खेल रही थी, सेंटेंस इज एंडिंग विद थी लेटर, थी मीन्स पास्ट टेंस, गीता वॉज प्लेइंग, खेल रही थी मीन्स गीता वॉज प्लेइंग, नाउ शी इज नॉट प्लेइंग, हर प्लेइंग इज फिनिश्ड. हियर गीता खेल रही है मीन्स हियर शी इज प्लेइंग बट नाउ हियर शी इज नॉट प्लेइंग,
सी वॉज प्लेइंग. सो दिस इज गीता खेल रही थी. सेंटेंस इज एंडिंग विद थी मीन्स वॉच. वॉच मीन्स पास्ट टेंस. दिस इज भूतकाल. सो इजी टू आइडेंटिफाई व्हेन सेंटेंस इज फिनिशिंग विद है लेटर एंड इज है मीन्स वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस. भूतकाल सेंटेंस विल फिनिश विद वॉच आर थी था थी थे दैट इज कॉल्ड भूतकाल. सो यू हैव टू राइट भूतकाल. ओके चिल्ड्रन नाउ वी विल गो फॉर भविष्य काल. यू हैव सीन वर्तमान काल एंड भूतकाल. वर्तमान काल सेंटेंस इज एंडिंग विद है लेटर. भूतकाल सेंटेंस इज एंडिंग विद थी लेटर. नाउ वी विल गो फॉर भविष्य काल मीन्स फ्यूचर टेंस. सीता गाना गाएगी. व्हाट सीता विल डू. सीता विल सिंग अ सॉन्ग. गाएगी मीन्स विल. हियर सेंटेंस इज एंडिंग विद गी लेटर. ओके सेंटेंस इज एंडिंग विद गी लेटर मीन्स दिस इज अ फ्यूचर टेंस. इन फ्यूचर शी विल सिंग अ सॉन्ग. रोहन पढ़ाई करेगा. रोहन विल स्टडी. व्हाट रोहन विल डू. He will study. He is not studying and he was not studied. He will means in future anytime maybe today evening tomorrow he will study. So Rohan padhai karega. Sentence is ending with ga. Okay. So this is your bhavishyatkal future tense. Geeta khelne jayegi. Geeta khelne jayegi. Geeta will go to play. What Geeta will do. Geeta will go to play. Geeta is not playing also and Geeta didn't play also. She will go. Sentence is ending with gi letter means this is your bhavishyat kal future tense. So now children if any sentence ending with hai that is vartaman kal. Sentence ending with tha the thi means that is bhut kal. Sentence is ending with गा गे गी मीन्स दैट इज भविष्यत काल फ्यूचर टेंस. ओके हियर सम सेंटेंस आई हैव रिटन. वी विल सी व्हाट सेंटेंस इज दैट एंड यू पीपल आल्सो थिंक. राम स्कूल जाएगा. राम स्कूल जाएगा. व्हाट सेंटेंस इट विल बी. इन योर एग्जाम आल्सो इट विल बी लाइक दैट. सम सेंटेंस विल बी देयर एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट सेंटेंस इज देयर. ओके what you have to do you have to identify what sentence is there and in front of sentence you have to write sentence. What sentence like bhavishyat kal vartaman kal or bhut kal. Okay children you have to identify the sentence. So ram school jayega. Any guess what sentence is there. This sentence ending with which letter. Ga. Ending with which letter. Ga means ga. Where it will come in future tense. भविष्यत काल मीन्स दिस इज अ भविष्यत काल बिकॉज सेंटेंस इज एंडिंग विद गा. राम विल गो टू स्कूल मीन्स दिस इज अ भविष्यत काल. सेकेंड वन किशोर खाना बना रहा है. किशोर इज कुकिंग फूड. व्हाट किशोर इज डूइंग. ही इज कुकिंग फूड. सेंटेंस इज एंडिंग विद विच लेटर. है. सेंटेंस एंडिंग विद विच लेटर. है मीन्स इन विच. Have will come present tense. Vartaman kal. Vartaman kal sentence will end with hai letter. So Kishore khana bana raha hai. Kishore is cooking food. Means this is a Vartaman kal present tense. In present he is cooking the food. Third one. Rashmi so rahi thi. Rashmi so rahi thi. Rashmi was sleeping. So which tense. Sentence will end with tha the thi. Very good. Past tense. Bhutkal. Okay. Because Rashmi was sleeping. Sentence is ending with thi. Okay. Means this is a bhutkal. Bhutkal means present tense. Okay children. So some sentence will be there. You have to identify and write the answer. What sentence is there. What is the tense. Okay. Very easy to identify. Okay children. Okay, so now we will read upsarg. Upsarg means prefix. Last classes I taught you upsarg. Upsarg means prefix. One word will be
ओरिजिनल वर्ड, ओके, मूल शब्द. वन इज मूल शब्द, ओरिजिनल वर्ड. प्रीफिक्स मीन्स बिफोर द लेटर सम वर्ड्स वी आर पुटिंग. दिस इज योर मेन वर्ड एंड बिफोर दिस वर्ड वी विल पुट सम वर्ड लाइक आ, अ, अप, अनु, अति, अधि. ऑल आर प्रीफिक्स. सो व्हेन वी विल जॉइन दिस बोथ लेटर्स वर्ड्स आ एंड हर, दिस वर्ड मीनिंग इज डिफरेंट. व्हेन वी विल पुट दिस लेटर विद दिस, वन न्यू वर्ड वी विल गेट इट, नया शब्द, वन न्यू वर्ड वी विल गेट इट, एंड दैट मीन दैट वर्ड मीनिंग विल बी टोटली डिफरेंट फ्रॉम दिस वर्ड. सो दैट इज कॉल्ड प्रीफिक्स. प्रीफिक्स मीन्स, प्री मीन्स बिफोर, फिक्स मीन्स फिक्स. सो एनी मेन लेटर, एनी मेन वर्ड, बिफोर वी आर पुटिंग सम वर्ड एंड व्हेन वी आर जॉइनिंग अ न्यू लेटर वी आर गेटिंग, एंड दैट वर्ड मीनिंग विल बी डिफरेंट फ्रॉम मेन वर्ड. वी विल सी द एग्जाम्पल. दिस इज योर उपसर्ग. उपसर्ग मीन्स प्रीफिक्स. मूल शब्द मेन वर्ड. मूल शब्द मीन्स मेन वर्ड. नया शब्द, नया शब्द मीन्स न्यू वर्ड. हार, योर मूल शब्द इज हार. हार मीन्स हारना. लाइक हार मीन्स हारना. यू आर प्लेइंग सम गेम, हार गए. हार गए मीन्स जस्ट यू लूज द गेम. आ, आ इज अ उपसर्ग. आ इज अ प्रीफिक्स. सो व्हेन आ प्लस हार वी आर पुटिंग बिफोर हार, वी आर पुटिंग आ. आ हार. न्यू वर्ड वी आर गेटिंग आहार. आहार मीन्स फूड. आहार मीन्स फूड. हियर हार, हार मीन्स लूज करना, गेम हार जाना. आहार मीन्स भोजन, खाना. ओके, सो सी, जस्ट पुटिंग आ वर्ड एंड दिस मूल वर्ड इज देयर, दैट इज टोटली चेंज. व्हाट न्यू लेटर वर्ड वी आर गेटिंग, दैट इज टोटली मीनिंग इज चेंज. दैट इज कॉल्ड उपसर्ग. उपसर्ग मीन्स किसी शब्द के पहले कोई शब्द लगाने से उसका मतलब अलग हो जाता है. ठीक है, अगेन आ. घात, घात मीन्स अटैक करना. घात मीन्स अटैक. जैसे कि बिल्ली जो है चूहे के लिए घात लगा के बैठी है. ठीक है, बिल्ली जो है चूहे को पकड़ने के लिए घात लगा के बैठी है, मतलब एकदम अटेंटिव मूड में. जैसे कि आपने देखा होगा बगुला होता है, क्रेन है, फिश को पकड़ने के लिए पानी में कितना अटेंटिव, एकदम कंसंट्रेट करके बैठता है ना, उसी को बोलते हैं घात लगाना. मतलब किसी पे अटैक करने के लिए, शेर जो है हिरन पे अटैक करने के लिए कैसे घात लगा के बैठता है, वो है घात. घात लगाना मीन्स एकदम से अटैक करने के लिए रेडी रहना. इसमें जब हम आ उपसर्ग लगाएंगे, आ उपसर्ग प्रीफिक्स लगाएंगे, न्यू वर्ड वी विल गेट इट आघात. आघात, आघात मीनिंग यू नो व्हाट इज दैट. घात मीन्स रेडी टू अटैक. आघात मीन्स हर्टिंग. समवन हैज डन समथिंग एंड यू गॉट हर्ट विद दैट. ओके, गॉट हर्ट मीन्स योर फीलिंग्स गॉट हर्ट. ओके, दैट इज आघात लगना. Someone has done something and you feel very bad. That is aghat. New prefix is a. What is this? A. Dharma. Dharma is your main word. Dharma means religion. Hindu, Muslim, Sikh, Isai, Christian. What you are saying? This is called dharma. A dharma. Here a dharma. New word we got it. A dharma. A dharma means which is not good. Like जानवरों को मारना अधर्म होता है, किसी की हत्या करना, किसी को किल करना अधर्म है. दैट इज नॉट गुड. सो सी, टोटली मीनिंग इज डिफरेंट. धर्म मीन्स योर रिलीजन. अधर्म मीन्स क्राइम. अधर्म मीन्स क्राइम. यू आर डूइंग सम रॉन्ग थिंग विच यू शुड नॉट डू, दैट वो मानवता नहीं है. उपसर्ग है सत्य. सत्य मीन्स ट्रुथ. सत्य मीन्स सच, ट्रुथ. अ जो है उपसर्ग लगाया. ठीक है, उपसर्ग जो है ये अ है. न्यू वर्ड हमें क्या मिला? असत्य. असत्य मीन्स फॉल्स, गलत. ठीक है, असत्य. असत्य मीन्स झूठा, जो सच ना हो. ठीक है, अप. न्यू उपसर्ग क्या है? अप. ये क्या है? यश. यश मीन्स फेमस. कोई फेमस होता है ना, बहुत ही यशवान है, उसके अच्छे कामों के लिए जाना जाता है, वो है यश. ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम?
अब उपसर्ग लगाएंगे. न्यू वर्ड वी आर गेटिंग अपयश. अपयश मीन्स पर्सन हु इज फेमस फॉर हिज बैड वर्क. ठीक है, पर्सन हु इज फेमस फॉर हिज बैड वर्क, दैट इज कॉल्ड अपयश. नेक्स्ट अब उपसर्ग है हरण. हरण मीन्स किसी का हरण करना, जैसे रावण ने सीता का हरण कर लिया था. ठीक है, किडनैप करना, हरण. अप उपसर्ग लगा दिया. न्यू वर्ड वी आर गेटिंग अपहरण, दैट इज आल्सो सेम. दिस बोथ वर्ड मीनिंग इज सेम, अपहरण किडनैपिंग एंड हरण किडनैप. ओके, बोथ आर सेम, ओनली प्रोनाउंसिएशन इज डिफरेंट. राग. राग अनु जो है इसमें उपसर्ग लगा है. ठीक है, अनु जो है उपसर्ग लगा है, राग वर्ड है. राग मतलब म्यूजिक है. हाँ, म्यूजिक में राग होते हैं ना कई तरह के, जब हम संगीत सीखते हैं तो उसमें कई राग होते हैं. ठीक है, तो राग मतलब म्यूजिक के कई टाइप्स होते हैं. अनुराग, अनुराग. ठीक है, अनुराग मीन्स किसी चीज में ज्यादा आपको इंटरेस्ट है. ठीक है, अनुराग, अनुराग मीन्स आपको किसी पर्टिकुलर चीज में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है. अति. अति क्या है आपका? अनुशासन. शासन मीन्स रूल्स करना. शासन मीन्स रूल करना, जैसे कि राजा लोग एक राज्य पे रूल करते थे ना, ये हो गया शासन. अनु, अनु उपसर्ग लगाया हमने इस पे. ठीक है, अनुशासन. नया वर्ड हमें मिला अनुशासन. अनुशासन का मीन्स क्या, मतलब क्या होता है? डिसिप्लिन. ठीक है, हमें अनुशासन में रहना चाहिए. इन क्लासरूम वी शुड फॉलो द डिसिप्लिन, दैट इज अनुशासन. रिक्त. रिक्त जो है वो हमारा मेन वर्ड है. अति. अति इज अ प्रीफिक्स, उपसर्ग. न्यू वर्ड वी विल गेट इट अतिरिक्त. रिक्त मीन्स एम्प्टी प्लेस. ठीक है, रिक्त स्थान भरो. रिक्त स्थान भरो मीन्स खाली जगह भरो, वही रिक्त है ये. ठीक है, अतिरिक्त. अतिरिक्त मीन्स आपके पास एक्स्ट्रा है कोई चीज. ठीक है, या फिर इसके अलावा, इंस्टेड ऑफ. ठीक है, इसके अतिरिक्त ये भी काम कर लो. ठीक है, मेरे पास अतिरिक्त है ये चीज, मेरे पास एक्स्ट्रा है, आप ये रख लो. ठीक है, रिक्त मीन्स एम्प्टी थिंग्स. ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल. अतिरिक्त मीन्स एक्स्ट्रा. सो सी, वी आर पुटिंग वन उपसर्ग प्रीफिक्स, मीनिंग इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम मेन वर्ड टू न्यू वर्ड. शय. शय मीन्स फेवर. शय लेना मीन्स किसी का फेवर लेना. ठीक है, अतिशय. न्यू वर्ड हमें मिला अतिशय. अतिशय मीन्स भी सेम ही है. ठीक है, किसी की शरण में रहना या किसी से फेवर लेना, दोनों का मीनिंग एक ही है. कार. कार मीन्स काम करना. ठीक है, कार मीन्स कोई काम करना, या फिर कोई फंक्शन होता है ना गांव में, गांव में या कहीं भी, तो बोलते हैं कि कार परोज है. कार परोज है मीन्स कुछ फंक्शन है उनके यहाँ, बर्थडे है, किसी की शादी है, कुछ भी है, तो कार मीन्स किसी टाइप का फंक्शन है. अधि. अधि क्या हमारा उपसर्ग है. ठीक है, न्यू वर्ड वी आर गेटिंग अधिकार. अधिकार मीन्स राइट. अधिकार मीन्स राइट, उस पे आपका, किसी चीज पे आपका हक होना. ठीक है, ये मेरे अधिकार में आता है. ठीक है, ये आप, ये आपका घर है, इस पे आपका अधिकार है. अधिकार मीन्स आपका राइट, आपका हक. और कार मीन्स कोई फंक्शन. अधि. सेकंड जो है हमारा उपसर्ग अधि. ग्रहण. ग्रहण करना मतलब लेना. ग्रहण करना मतलब लेना. अधिग्रहण. अधिग्रहण. ठीक है, अधिग्रहण का भी मतलब वही है, अधिग्रहण मतलब वो भी है लेना. ठीक है, तो ये हमारे उपसर्ग हो गए, ये हमारे मूल शब्द हो गए, और ये जो हमारा है इन दोनों को जोड़ने से नया शब्द मिल गया. ठीक है, तो अभी क्या है, आपके एग्जाम में जो होगा, हो सकता है इस तरह का वर्ड आए, और आपको है कि उपसर्ग पहचानिए, आइडेंटिफाई द प्रीफिक्स. सो इस वर्ड से आपको उपसर्ग देखना है कि आ उपसर्ग है या अ है या फिर अप है, अनु है, इसको आपको अंडरलाइन करके अलग करना है. ये हो गया, या फिर ये होगा और ये होगा, दोनों को आपको जोड़ के नया शब्द बनाना है. ठीक है, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन. सो वी विल स्टार्ट आवर रिवीजन फॉर यूनिट टेस्ट. ओके, टुडे वी आर गोइंग टू रीड वॉवल्स एंड सिंबल्स. इन लास्ट क्लासेस ऑलरेडी आई टॉट यू
value of syllables. Vowels is there. With that vowels we are making a word also. And where we can't use that vowels, we are using vowels symbols to make a new words. Consonant and vowel symbol, when we are writing together, then only we can make a new words. So first we have to memorize what is the vowel and that vowel what is the symbol. So we'll start. This is A. What is this? This is A. And A symbol is like this. Okay, A symbol is one line. So in front of any letter, if you see a single line, that is A ki matra. Okay, and that letter pronunciation will be ka, like ka. Ka letter is here. One more line I have put, it's become ka. Now we will go for e. What is this? This is choti e or first e. And choti e symbol is this. One line with one cap. First e or choti e, this symbol, if you are going to put in any consonants, that will come before the letter. And that letter pronunciation will be ki. Like this. See. This is your ka letter. And ka letter, one line, one cap. Before the letter I am putting. So this is your E ki matra, E symbol, and this ka letter pronunciation will be ki, because this is E symbol. So ka ka pe E ki matra, ki. Next we will go for second E or badi E. Second E or badi E. E se eek. That symbol also is same. One line, one cap. One line, one cap. But this symbol will come after the letter. First E or choti E ki matra we will put before the letter. Badi E we will put after the letter. See, one line, one cap. This is second E or badi E. So ka ka pe E ki matra ki. Before the letter E ki matra ki. Okay? So before the letter choti E ki. After the letter if one line one cap ki badi ki matra. Now we'll go for U. This is chota U. U se ullu. Ullu means owl. And this symbol is always it will be U ki matra, always it will be in leg of the letter down. One round will be there and that round will go top. That round will go on top. Means this is chota U ki matra. And that pronunciation will be ku. Ka kape U ki matra ku. Now second U on bada U. Second U on bada U. Bada U ki matra. That round will go down. This also will come in the leg of the letter. If round is going top, means this is chota u ki matra. Pronunciation will be fast. If that round is coming down, means that is bada u ki matra or second u ki matra. And that pronunciation little long we have to say. Ku. So see here, ku and ku. This is re. Re symbol is very easy. And this also will come down the letter. So any letter down, if you see something like a C letter, means in Hindi that is Re ki matra. As this is a Re symbol, that letter pronunciation will be Kri. So Ka and Re ki matra, Kri. Now we will go for A ki matra. A ki matra, on top of the letter one flag will be. See, this is A, one flag. K, one flag. So ka and one flag on top of the letter means A ki matra, and that letter pronunciation will be K. Now we will go for A ki matra. Same, A and I ki matra is same. Only A ki matra is having two flag, A ki matra is having one flag. So any letter if top you see only one flag means that is A ki matra. If
यू सी टू फ्लाई मीन्स दैट इज आय की मात्रा एंड आय की मात्रा प्रोनाउंसिएशन विल बी के. वन फ्लाई के. सो अंडरस्टैंड द डिफरेंस. ओनली वन फ्लाई ऑन टॉप ऑफ द लेटर ए की मात्रा प्रोनाउंसिएशन विल बी के. टू फ्लाई आय की मात्रा एंड प्रोनाउंसिएशन विल बी के. नाउ वी विल पुट ओ की मात्रा. ओ की मात्रा सिंबल विल बी वन लाइन एंड वन कैप. दिस विल कम आफ्टर द लेटर. सो एनी लेटर आफ्टर दैट वन लाइन वन फ्लैग. वन लाइन वन फ्लैग विल बी देयर. सी हियर इन ओ ऑल्सो वन लाइन वन फ्लैग इज देयर आफ्टर अ मीन्स दैट इज ओ की मात्रा एंड दैट लेटर प्रोनाउंसिएशन विल बी को. नाउ वी विल गो फॉर औ की मात्रा. औ की मात्रा इज सेम वन लाइन टू फ्लैग. ओ की मात्रा वन लाइन वन फ्लैग. औ की मात्रा वन लाइन टू फ्लैग. एज टू फ्लैग इज देयर मीन्स औ की मात्रा दैट लेटर प्रोनाउंसिएशन विल बी को. नाउ वी विल गो फॉर अंक की मात्रा. इट्स वेरी इजी. एनी लेटर टॉप इफ वन डॉट इज देयर ओनली वन डॉट मीन्स दैट इज अंक की मात्रा. एज दिस इज अंक की मात्रा लेटर प्रोनाउंसिएशन विल बी कम. ओके सो क एंड क पे अंक की मात्रा कम. लास्ट वन इज अह की मात्रा. अह की मात्रा नेक्स्ट टू द लेटर टू डॉट इज देयर. सो हियर इन क ऑल्सो टू डॉट आई हैव पुट. एज दिस इज अह की मात्रा प्रोनाउंसिएशन विल बी कह. ओके चिल्ड्रन वन मोर राउंड आई टीच यू.